उज्जैन के घटिया तहसील में आने वाले वार्ड क्रमांक 4 और 5 विहार में रहने वाले मनोहर सिंह राठौड़ अपने वार्ड में बेहतरीन कार्य हो, आम जनता के हित में सरोकार रखने वाले काम हो, इसको लेकर चुनाव लड़ना है। घटिया तहसील मुख्यालय पान विहार और वार्ड क्रमांक 4 से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के साथ जिला मुख्यालय पहुँच कर नामांकन जमा किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि पहली बार इस वार्ड को सामान्य के रूप में जो है सीट आरक्षित हुई है, तो उसमें मेरे जितने भी मित्र हैं और मेरे गांव के आसपास के जितने भी पोलिंग बूथ हैं, सभी लोगों का यह मानना है, जितने पंचायतें लगी हैं, कि आपको अवसर मिला है तो आपको दावेदारी करना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है, पार्टी अगर इसको विचार करती है आपके नाम पर, तो आप बिल्कुल आपकी दावेदारी कर सकते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि बहुत काफ़ी समय के बाद में ऐसा मौका मिला है, तो हम उसका क्यों ना पूर्ण तरीके से जनता के काम के लिए हम पूर्ण तरीके से मैदान में रहें। और आशा है कि पार्टी 4-5 हज़ार मतदाता हैं और वहाँ से हमारे भाई मनोहर सिंह जी राठौड़ ये उम्मीदवार बन रहे हैं, तो ताकि इनके बनने से उस क्षेत्र में विकास होगा। और पानबिहार क्षेत्र से 25 वर्षों से भी अभी कोई प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं हो पाया है, और संगठन की तरफ से भी पानबिहार क्षेत्र को, कालूवाड़ा क्षेत्र को और शिप्रा नदी के इस वाले क्षेत्र से आज तक पार्टी से अधिकृत कोई जनप्रतिनिधि नहीं घोषित किया गया है। और इस बार सामान्य पुरुष होने के कारण से पानबिहार में 5,000-4-5 हज़ार मतदाता होने के कारण से एक बहुमत भी है, और स्थानीय बहुमत 5,000 वोटों की ताकत, 10,000 वोटों की ताकत हमारी क्षेत्रीयता की है। इसके बाद पूरा वार्ड पड़ा हुआ है, उस वार्ड में भी हमारे भाई बहुत ही चिर परिचित है और करीबन 20-25 वर्षों से सतत लोगों से संपर्क में हैं, और सभी लोगों से सफलता है, और सभी ने विश्वास भी जताया है कि आपको उत्साहित भी किया है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।